चलिए ओके तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी कंप्यूटर की क्लासेस में। और दोस्तों आज की जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है बहुत ही बेहतरीन नए टॉपिक के साथ में आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा मल्टीमीडिया। आपके बात करें आपके कंप्यूटर के सिलेबस में तो ये आपके कंप्यूटर के सिलेबस का एक भाग है। और यहाँ से प्रीवियस ईयर के आप यदि एग्जाम को उठा करके देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपका टॉपिक है मल्टीमीडिया, ये हम डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं तो ये जल्दी समझ में आ सकता है आपको, आसानी से समझ में आपको आएगा। और बेहद छोटा टॉपिक है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। हाँ, होता यह है कई बार कि प्रीवियस ईयर में आप यदि इस टॉपिक से प्रश्नों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये प्रश्न मल्टीमीडिया टॉपिक का था क्या। तो क्या है कि हम इस टॉपिक से जनरली ज्यादा अवेयर नहीं है, आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रश्न या क्वेश्चन नहीं आते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। और यदि एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बना सकता है। कारण यह है कि मल्टीमीडिया का जो टॉपिक है, ये जो आपका चैप्टर है, ये आपको बुक्स में ज्यादा डीपली देखने को नहीं मिलेगा। या आप इस पर यदि जाएंगे YouTube पर वीडियो देखेंगे तो यहाँ भी आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक से जितना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके लिए निकाला जा सके तो मैंने निकाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे टॉपिक में ये मल्टीमीडिया में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके पास में आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है क्या, मल्टीमीडिया। तो यहां से सबसे पहला आपसे एक बहुत ही शानदार बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है, क्या मल्टीमीडिया का अर्थ क्या होता है। तो मल्टीमीडिया शब्द का जो अर्थ है उसके पहले यहां से एक बेसिक क्वेश्चन एग्जामिनर यदि चाहे तो निकाल सकता है। तो पहले आप उसको समझिएगा, ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है मल्टीमीडिया, ये दो शब्दों से मिलकर बन रहा है। पहला तो आपको यहां दिखाई दे रहा है मल्टी और दूसरा आपको यहां पास दिखाई दे रहा होगा मीडियम। देखिए मल्टी का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही है क्या, एक से अधिक। मल्टी का मतलब आप क्या कह सकते हो, एक से अधिक, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मल्टी शब्द का अर्थ हो गया। इसके बाद में आपको सेकंड नंबर का दिखाई दे रहा है क्या, मीडिया। तो मीडिया में आप क्या समझते हैं, तो ठीक है क्या दिख गया आपको, मल्टी। मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। अब आता है आपके पास में सेकंड नंबर पे क्या, मीडिया। तो देखिए मीडिया का मतलब क्या होता है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले पूछेगा कि ये मीडिया शब्द है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये जो आपका मीडिया शब्द है ये आपके लैटिन या आप उसको बोल सकते हैं क्या, ग्रीक। तो लैटिन भाषा के शब्द किससे लिया गया है, ये लिया गया है मीडियस से। एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका क्या है, मीडियस। मीडियस शब्द से क्या लिया गया है आपका, मीडिया लिया गया है। अब यहां जो आप देख रहे हैं क्या, मीडियस, इस मीडियस का मतलब क्या होता है, इस मीडिया शब्द का मतलब होता है मिडिल। क्या होता है, मिडिल। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि मीडिया शब्द किस शब्द से लिया गया है, उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आप यहां मिडिल को नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, मीडियस से लेंगे। तो मीडिया की जो उत्पत्ति हुई है किससे हुई है, मीडियस शब्द से ली हुई है। और ये मीडियस किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा का शब्द है। अब देखिए ये मीडियस था, इस मीडिया शब्द का मतलब क्या था, मिडिल। मिडिल का मतलब क्या, मध्य। तो इसी मध्य को क्या बोला गया है, इसी मध्य को बाद में बोला गया क्या, माध्यम। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा कि जो आप मीडिया देख रहे हैं, मीडिया का मतलब और कुछ नहीं होता है, क्या होता है, इस मीडिया को आप कह सकते हो फुल फॉर्म में, इसको आप कह सकते हैं मीडियम। मीडियम का मतलब क्या, माध्यम। समझ में आया क्या, मीडियम का मतलब क्या, माध्यम। तो यहां से आपको समझना क्या है और कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, मैं क्लास में कोशिश करता हूं कि आपको चीजों के बिल्कुल तह तक ले जाऊं, इस चक्कर में कई स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, तो देखिए मैं आपको फिर से यहां पर क्लियर कर रहा हूं, एग्जाम में पूछ ले कि मीडिया शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आप बताएंगे लैटिन भाषा से। कौन से शब्द से लिया गया है, तो आप बताएंगे मीडिया शब्द से, मीडिया को लिया गया है। अब एक बात यहां समाप्त होती है, दूसरी बात यहां चालू क्या होती है कि जो मीडियस है, इस मीडिया शब्द का अर्थ क्या था, मिडिल। मिडिल मतलब क्या, मध्य। और यहां से क्या लिया गया है, माध्यम। ये आपकी एक बात यहां और समाप्त हो गई। अब आते हैं किस पे, मीडिया पे। तो मीडिया जो है इसको हम अपने इंग्लिश भाषा में यूज करते हैं, तो इंग्लिश भाषा में जो मीडिया है ना, इसको लिया गया क्या, इसको माना गया मीडियम। क्या, मीडियम। और मीडियम का मतलब क्या होता है, माध्यम, है ना।
तो ये हो क्या हो गया आपका शब्द विच्छेद हो गया मल्टीमीडिया क्या मल्टीमीडिया, तो मल्टी का मतलब क्या एक से अधिक और मीडिया का मतलब क्या माध्यम, माध्यम मतलब क्या हो गया आपका एक से अधिक माध्यम, मल्टीमीडिया का मतलब क्या हुआ एक से अधिक माध्यम। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट करिएगा फिर समझते हैं आगे इसकी क्या है आपकी जो रामकथा लिखी हुई है उसको देखिए। इसके बाद में हमारे पास में एक शब्द आ रहा है सूचना, देखो पहले पढ़ लेते हैं परिभाषा को, सूचना को किसी भी माध्यम में प्रस्तुत किया जा सकता है, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल सही बात है ऑब्वियसली कि भाई सूचना को किसी भी माध्यम में प्रस्तुत कर सकते हैं, आपको किसी को कुछ कहना है तो उसको आप बोल के भी कह सकते हो उसको आप लिख के भी कह सकते हो है ना, तो सूचना को आप एक से अधिक माध्यम में या किसी भी माध्यम में प्रस्तुत कर सकते हो, जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यम का क्या, जिस सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया का अर्थ ऐसी फाइल से निकाला जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मीडिया को शामिल किया जाता है, अर्थात मल्टीमीडिया फाइल्स जो आप शब्द यूज करोगे इसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या है बहुत सारे क्या है आपके बहुत सारे क्या है आपके उसके अंदर बहुत सारे मीडिया है, मतलब मीडिया मतलब क्या माध्यम उसमें शामिल है। अब देखिए यहां पास में आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट रेखा चित्र अर्थात क्या ग्राफिक्स, चित्र मतलब क्या इमेज, एनिमेशन, ऑडियो और क्या वीडियो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब सभी क्या है ये आपके एक मल्टीमीडिया के क्या है मल्टीमीडिया के क्या है घटक हैं। आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मल्टीमीडिया का घटक नहीं है तो वो जो भी आपको ऑप्शन में देगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीमीडिया के घटक होते कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे टेक्स्ट होता है, रेखा चित्र होता है, चित्र होता है अर्थात क्या इमेज होता है, एनिमेशन होता है, ऑडियो और वीडियो। अब ये ग्राफिक्स क्या होता है एनिमेशन क्या होता है इसका बिल्कुल भी लोड मत लेना, क्यों क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर देखिए ये आप यदि डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है ये बीच में लिखा हुआ है क्या मल्टीमीडिया, ठीक है यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पास में क्या लिखा हुआ है वीडियो, ये क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट, ये क्या कुछ एक इमेज बनी हुई है, ये देखो आपको एक यहाँ पास एक छोटा सा क्या बच्चा दिखाई दे रहा है ये क्या है एनिमेशन, और ये क्या है आपका ऑडियो, अर्थात क्या कि ये सब क्या है मल्टीमीडिया के पार्ट्स या आप इनको मल्टीमीडिया के घटक कह सकते हैं, क्या टेक्स्ट इमेज एनिमेशन ऑडियो वीडियो और ग्राफिक्स है ना, तो इसको ध्यान में रखना ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक्स भी क्या है आपका मल्टीमीडिया का एक घटक है, एनिमेशन भी क्या है आपके मल्टीमीडिया का घटक है, बाकी टेक्स्ट हो गया इमेज हो गया ऑडियो वीडियो तो ये तो आपको ध्यान में होना ही चाहिए। जो विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है वो क्या होगा आप वो क्या होगा आपका क्या होगा यहां से रेखा चित्र अर्थात क्या ग्राफिक्स और क्या सेकंड नंबर पे एनिमेशन, तो ये सब क्या हो गए आपके एक मल्टीमीडिया के घटक हो गए। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद में, ठीक है अब देखिए क्या कह रहा है, जब भी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाया जाता है तब यह अपने अंदर कोई इमेज को समाहित किए होती है, हम एक एक करके इमेज को प्रदर्शित करते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में प्रदर्शित किए जाने वाले इमेज जिस स्थान पर क्या जिस स्थान में एक क्रम में कैसे जिस स्थान में एक क्रम में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टोरी बोर्ड कहते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टोरी बोर्ड का मतलब क्या है, यह क्या करेगा कि आपको स्टोरी बोर्ड की एक परिभाषा लिख के दे देगा जो आपको यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, और इस पूछेगा कि ये जो आपको बोल देगा कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में किसी इमेज को एक क्रम से जहां पास व्यवस्थित किया जाता है उसे कहा जाता है, आपको बोल देगा स्टोरी बोर्ड क्लिप बोर्ड है ना, तो यहां पास क्या करना है आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी इमेज को एक स्थान पर एक क्रम में जमा कर रखा जाए उसे आप क्या कहोगे स्टोरी बोर्ड कहोगे। तो देखो यहां पास में आपको ये एक क्या दिखाई दे रहा है इस प्रकार से ये आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पास में आपको इमेज दिखाई दे रही है, कैसी इमेज दिखाई दे रही है देखो एक दो तीन चार पांच छह, तो ये सब क्या है देखो ये आपके पास में छह इमेज है, इन छह इमेज को एक ही जगह पे एक ही स्थान पे ये देखो इस तरह से और क्रम से देखो एकदम एक लाइन से क्रम से जमाया गया है, इनके क्रम में किसी भी प्रकार का क्या ऊपर नीचे आप सेकेंड नंबर के डायग्राम में देख पा रहे होंगे बिल्कुल, यदि आप ये हाथ को देखो तो बिल्कुल एक लाइन पे जमा हुआ है, यदि आप नीचे वाले पैर को देखो तो एकदम एक लाइन में जमा हुआ है। तो आपसे पूछ ले कि किसी इमेज को एक स्थान पर एक क्रम में जमाने वाला जहां जमाया जाता है उसे क्या क्या कहते हैं आप उसे आप कहते हैं स्टोरी बोर्ड। पहली बात
सेकंड नंबर पे क्या आता है, ये जो स्टोरी बोर्ड है ये मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु और उसके फ्लो, क्या एक मल्टीमीडिया के प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु मतलब क्या उसका जो भी उसका जो टॉपिक्स है विषय वस्तु और उसके फ्लो की योजना होती है। ठीक है, अभी इसको ज्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना है, बस समझ लेना है सिंपल शब्दों में कि भाई आपसे एग्जाम में यहाँ जो क्वेश्चन बनेगा वो होता है स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड क्या होता है, स्टोरी बोर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहां पास इमेजेस को एक क्रम में व्यवस्थित करके जमाया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्टोरी बोर्ड कहते हैं। अच्छा देखिए इसके बाद में क्या है, एक मल्टीमीडिया सिस्टम की क्षमता उच्च होनी चाहिए जिससे उसके कार्य करने की गति में वृद्धि हो। देखो क्या होता है, मल्टीमीडिया में एक्चुअल में आप करते क्या है, जैसे आप एक वीडियो देखते हैं, जब आप एक वीडियो देखते हैं तो आप सपोज मान लीजिए कि यहाँ पास मान लीजिए कि एक पेन है और इस प्रकार से आपके पास में वीडियो में आप देख रहे हैं कि पेन एक उड़ता हुआ पेन आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, जब आप एक पेन को उड़ता हुआ पेन देख रहे हैं वीडियो में, वो क्या है कि इस प्रकार से देखो, जैसे मान लो ये एक पेन है सपोज के लिए, तो क्या है कि इस प्रकार से आपके पास में क्या करेंगे कि एक पेन की क्या करेंगे, एक बहुत सारा क्या बनाएंगे उसका एक क्रम बनाएंगे और क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पास में आपको ये इस प्रकार से पेन के क्रम दिखाई दे रहे हैं, अब क्या करेंगे कि इन्हीं को ये एक्चुअल में क्या है, ये एक ही पेन का है ना, तो इनको क्या करेंगे एक स्पीड दे देंगे। जैसे ही ये आपकी इतनी सारी इमेज है, जैसे ये आपके ये आदमी है, इनमें क्या कर दिया हमने इस प्रकार से बहुत सारे आदमी जमा दिए हैं, जैसे ही क्या करेंगे हम इसको स्पीड देंगे तो ये आपको जो बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं ये आपको एक सिंगल आदमी के रूप में दिखाई देगा। तो जो कुछ भी आप वीडियो में देखते हैं तो वो क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है फ्रेम होता है, लेकिन वो हमको इतनी गति से दिखाया जा रहा है इसलिए क्या होता है वो आपको क्या दिखाई देता है, इतनी स्पीड में दिखाई देता है, तो आपको क्या लगता है कि वो एक आदमी है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो बहुत सारी इमेज से क्या होता है, बहुत सारी इमेज को, जैसे मान लो कि क्या है ये आपकी बहुत सारी इमेज है ये इस प्रकार से, अब मैं क्या करूं कि इन सारे डॉट्स को इतनी स्पीड दूं, तो जब मैं इसको बहुत स्पीड दूंगा ना तो ये आपको सिंगल डॉट दिखाई पड़ेगा। सेकंड डायग्राम में देखिएगा, यहां पास में लिखा हुआ है 30, ये 30 FPS, FPS का मतलब क्या होता है फ्रेम पर सेकंड, क्या होता है फ्रेम पर सेकंड, है ना। अब आप देखो यहां पास में 30 है, यहां 60 है और यहां क्या है 120 है, यहां पास 30 है तो देखो आपको दिखाई दे रहा है एक फ्रेम, दो फ्रेम, तीन फ्रेम, अब यहां पास 60 है तो यहां पास फ्रेम की संख्या बढ़ गई। अब क्या है देखो यहां पास में 120 है, मतलब 120 फ्रेम आपको एक सेकंड में दिखा रहे हैं। 120 FPS का मतलब क्या हुआ कि 120 फ्रेम आपको एक सेकंड में दिखा रहे हैं। तो देखिए अब आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, अब आप काउंटिंग जल्दी नहीं कर पाओगे। अब यदि मान लो कि आपको यहां मान लीजिए आपको इसको 200 FPS कर दिया जाए, क्या 200 FPS कर दिया जाए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डब्बा वो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, एक डब्बा, इतनी स्पीड इसकी बढ़ा देंगे कि आपको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, एक डब्बा है, और यही जो एक डब्बा है वो आपको वीडियो के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, तो इससे अधिक समझने की जरूरत नहीं है, यहां जो पूरा समझाया मैंने आपको, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था आपका स्टोरी बोर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते हैं ना लाइव स्ट्रीमिंग, जब आप किसी वीडियो को लाइव देख रहे होते हैं क्या बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या, किसी भी इमेज को सतत रूप से दिखाना एक के बाद एक। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी वीडियो को एक के बाद एक क्या करना, किसी भी इमेज को एक के बाद एक लगातार दिखाना, मतलब क्या सतत का मतलब क्या होता है स्ट्रीमिंग। ठीक है, मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग का मतलब क्या हो गया, सतत। फाइलों में रियल टाइम स्ट्रीमिंग की फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं की जाता है। इस लाइन को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में घंटा कुछ नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस लाइन का मतलब क्या है। देखिए क्या है कि जो कुछ भी आपको किसी वीडियो में किसी मूवी में दिखाया जाता है तो उसको आप लाइव टाइम क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन कभी आपको सपोज आप मूवी देखने गए पीवीआर में, आपने कोई मूवी देखी तो मूवी आपको दिखा दी गई, अब मूवी देखने के बाद में आप बोलोगे यार कि जो आपने मेरे को मूवी दिखाई हो उसकी ला यार मेरे को मेरे पेन ड्राइव में दे दे फाइल, या मूवी मेरे को पहले मेरे पेन ड्राइव में डाल दे, तो उठा के आपको बाहर फेंकेगा। क्यों कि भैया आपने जो पैसे दिए थे वो कहेंगे दिए थे बैठ के आराम से मूवी देखने के लिए दिए थे, आपको किसी प्रकार का दावा नहीं किया गया था कि इस मूवी देखने के बाद में आपकी पेन ड्राइव इस मूवी को आपको दिया जाएगा। तो मल्टीमीडिया में यही होता है कि क्या है कि आपको लाइव स्ट्रीमिंग, आपको रियल टाइम स्ट्रीमिंग दी जाती है, ना कि आपको पूरी की पूरी फाइल शेयर की जाती है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली आपको जानने के लिए था, परीक्षा में यहां से कोई ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, ये आपको उसके पहले मैं बता चुका हूं क्या क्या, देखो टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ये आपको ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं।
अब आप देखो ये जो आपको टेक्स्ट इमेज और ग्राफिक्स ऑडियो वीडियो और आपको जो एनिमेशन दिखाई दे रहा है, तो देखो टेक्स्ट इमेज और ग्राफिक्स, क्या टेक्स्ट इमेज और क्या आपका ग्राफिक्स, ये क्या होता है, ये आपका जो होते हैं ये आपके स्टैटिक होते हैं, अर्थात क्या ये गतिक नहीं होते, इनमें किसी प्रकार का मोशन नहीं होता है, ये क्या होते हैं स्टैटिक होते हैं। ये जो ऑडियो वीडियो और आपको एनिमेशन दिखाई दे रहा है ये कैसे होते हैं, ये आपके डायनेमिक होते हैं, ये क्या होते हैं डायनेमिक, इसका मतलब क्या कि इनमें क्या होती है गति होती है। तो हमारे पास में जो कंपोनेंट है किसके मल्टीमीडिया के, तो इनको हम दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक तो हम बांटते हैं स्टैटिक और दूसरा हम क्या बांटते हैं इनको डायनेमिक। डायनेमिक में क्या होगा कि जो आपका वीडियो होगा एनिमेशन होगा और ऑडियो होगा वो क्या होंगे आपके डायनेमिक कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका ये जो आपका स्टैटिक एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके, जो स्टैटिक्स एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके टेक्स्ट होंगे, ग्राफिक्स होंगे और इमेज होगा। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप शायद देख रहे होंगे थोड़ा सा भी मैं कुछ सेकंड के लिए डिस्टर्ब हुआ, एक्चुअल में क्या है आप लोगों की क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है और बाहर जो मौसम है वो बेहद खराब हो गया है। अब देखिए चलिए क्लास अभी तो आगे चलेगी, हो सकता है कि बीच में लाइट गोल हो तो आपकी क्लास वहां पास रुक जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहां तक क्लास चलती है अपनी। तो मल्टीमीडिया के तत्व क्या आपका एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया, तो सबसे पहला हम क्या नंबर देख रहे हैं, पहले नंबर पे देख रहे हैं टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो भी आप लेटर्स हैं नंबर्स हैं या आपके जो भी स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, मान लीजिए एट द रेट है, आपको हैश का यूज करना है, डॉलर का साइन आपको यूज करना है, ये सब क्या होते हैं आपके मल्टीमीडिया के क्या होते हैं टेक्स्ट के अंतर्गत क्या होते हैं ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, बस आपको क्या है इसको सुनना है और समझना है। फिर सेकंड नंबर पे आता है आपका ग्राफिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके मल्टीमीडिया में समझने के लिए कि भाई ग्राफिक्स क्या होता है। देखो भाई ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर के द्वारा निर्मित इमेज या पिक्चर ही क्या होता है ग्राफिक्स होता है। आप अपने कॉपी में कुछ इमेज बना लो, आप अपने पेन से कॉपी में कुछ इमेज बनाओ, वो ग्राफिक्स नहीं खिलाएगा। लेकिन क्या करोगे आप कोई इमेज या कोई ग्राफिक्स, सॉरी आप कोई इमेज या पिक्चर कंप्यूटर पे बनाओगे, कंप्यूटर के माध्यम से बनाओगे तो क्या कहलाएगा वो आपका ग्राफिक्स कहलाएगा। सिंपल शब्दों में ये आपको समझाया गया है। तो ग्राफिक्स क्या होता है, ग्राफिक्स का मतलब होता है कि कंप्यूटर पर आप किसी भी प्रकार की इमेज या क्या कर रहे हो पिक्चर को बनाओगे तो क्या कहलाएगा वो ग्राफिक्स कहलाएगा। अब इसके बाद समझना, इसे डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। यदि आप कोई भी इमेज या कोई भी पिक्चर आप अपने कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हो कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो, और कंप्यूटर में आप जो भी डाटा को क्रिएट करते हो या सेव करते हो वो कैसा होता है टोटली डिजिटल फॉर्म में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसे स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित प्रारूप है, मतलब जो भी आप इमेज या पिक्चर बनाओगे किसमें आपके कंप्यूटर में बनाओगे वो क्या कहलाएगा आपका ग्राफिक्स कहलाएगा। और इन ग्राफिक्स फाइल को, इन ग्राफिक्स कंटेंट को आप जब इसको स्टोर करते हो एक फाइल के रूप में तो एक फॉर्मेट होता है उन फाइलों का, तो उन फाइलों के फॉर्मेट को आप किन किन नाम से जानोगे, तो एक होता है GIF, क्या GIF। यहां से होता है क्या, देखिए यहां से आपके फुल फॉर्म निकलते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि GIF का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप क्या बताओगे ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। आगे पूछ लेगा JPEG क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, याद रखिएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इसके बाद में होता है बिट मैप ग्राफिक्स, तो आपसे क्या बिट मैप ग्राफिक्स। फिर वो एक होता है PNG, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है PNG क्या होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके बाद में होता है TIFF, क्या TIFF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। तो आपको ध्यान रखना है जितने भी आपको यहां पास दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से क्या है आपको लिखा रहेगा .jpeg। तो किसी भी फाइल में यदि लास्ट में .jpeg जुड़ा हुआ है तो समझ जाना है वो क्या है आपकी एक ग्राफिक्स क्या है, वो आपकी एक वो फाइल है, और उस फाइल का फुल फॉर्म क्या होगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक या ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यहां जो पी है इसको कई बार दो अर्थ निकालता है, एक निकालता है फोटोग्राफिक और एक निकालता है पिक्चर, दोनों ही सही होता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपको एक ऑप्शन में ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप देगा और दूसरे ऑप्शन में आपको ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप देगा, तो दोनों ही हो सकता है, क्या आपका ज्वाइंट फोटोग्राफिक भी या पिक्चर दोनों हो सकता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया आपका कंप्यूटर, आपका क्या ग्राफिक्स। अब आगे देखते हैं, देखिए ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ग्राफिक्स होता क्या है, अभी आपने क्या देखा कि आपने अपने कंप्यूटर में क्या किया, एक इमेज बनाया। ये क्या बनाया आपने, इस प्रकार से एक स्क्वायर बनाया। अब क्या करोगे कि आपको इस स्क्वायर को तिरछा करना है, तो ये आपने इसको तिरछा कर दिया। इसको क्या करना है आपको, छोटा करना है, तो इसको आपने छोटा कर दिया। इसको आपको और छोटा करना है, तो इसको आपने और छोटा कर दिया। तो ये क्या हो गया कि आपने एक इमेज को क्या कर दिया, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया, आपने रोटेट कर दिया। आपको इसको क्लॉक वाइज 90 डिग्री घुमाना है, तो क्या कर दोगे आप, इस प्रकार से घुमा दोगे, और घुमाना है तो इस प्रकार से घुमा दोगे। कहने का मतलब क्या है कि जो भी इमेज आप अपने कंप्यूटर पे बना रहे हो या जो भी आप पिक्चर बना रहे हो, क्या होता है, ग्राफिक्स होता है। और उन सभी ग्राफिक्स को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कैसे कैसे कर सकते हो, आप उसको रोटेट कर सकते हो। देखिए आपने देखा होगा ना, ये आपको रोटेट करने का ऑप्शन दिखा रहा है, आप इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हो। सपोज मान लीजिए कि आपने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, आप जाओगे रिफ्लेक्शन ऑप्शन में तो आपको एक और इस प्रकार से ट्रायंगल दिख जाएगा। ये क्या रहेगा, जो आपको पहला वाला ट्रायंगल दिखाई देगा ये क्या करेगा, आपको इस प्रकार से थोड़ा गाढ़ा दिखाई देगा, और जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे दिखाई देगा, थोड़ा शेडो के रूप में, ठीक है। इसके बाद में क्या आता है, थर्ड नंबर पे देखिए, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि ये आपके पास में एक क्या है, त्रिभुज है, आप इसके स्थान को चेंज करके यहां पास चाहते हो रखना, तो आपने क्या कर दिया, उसके स्थान को चेंज कर दिया। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स की लैंग्वेज में ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है कि एक इमेज के या पिक्चर के पोजिशन को क्या करना, चेंज करना। इसके बाद में क्या होता है, स्केलिंग। क्या स्केलिंग, तो स्केलिंग क्या होता है ये समझिएगा। स्केलिंग का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी भी इमेज या पिक्चर के साइज को बढ़ाना या घटाना, तो क्या होता है वो स्केलिंग होता है कि क्या कर दिया, ये आपका त्रिभुज था, आपने इसके साइज को बढ़ा दिया या आपने इसके साइज को छोटा कर दिया, तो स्केलिंग हो गया। तो हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो बस आप ध्यान में एक बार रखना कि चार प्रकार के होते हैं, रोटेशन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, और क्या होता है, एक स्केलिंग होता है। ये समझ में आ रहा है। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि टाइप ऑफ, क्या टाइप ऑफ ग्राफिक्स कितने होते हैं, तो आप बताएंगे दो टाइप के ग्राफिक्स होते हैं, एक होता है रोस्टर ग्राफिक और एक होता है वेक्टर ग्राफिक। जो रोस्टर ग्राफिक होता है इसका मतलब क्या है, वो 2D होता है। क्या जितने भी आपके पास में जो इमेज होंगी, जो 2D इमेज होंगी, वो क्या कहलाती है, आपकी रोस्टर ग्राफिक्स कहलाती है। और ध्यान में रखिएगा, जो रोस्टर ग्राफिक्स होती हैं उनमें आप जल्दी किसी प्रकार का, या बात करें आसानी से किसी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात करें वेक्टर ग्राफिक का, तो वेक्टर ग्राफिक का मतलब क्या होता है, 3D इमेज। और आप वेक्टर ग्राफिक में यदि आपने कुछ इमेज बनाई है तो उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो नोट करिएगा कि इसमें आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते किसी भी इमेज को या पिक्चर को। और वेक्टर ग्राफिक में क्या कर सकते हैं, आप किसी भी इमेज या फाइल को, सॉरी किसी भी इमेज या पिक्चर को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में क्या है, देखो जैसे आपके पास में एक सिंपल सा शब्द क्या था, कंप्यूटर, लेकिन क्या कर दिया कि आपने ग्राफिक्स के माध्यम से इसको क्या कर दिया, देखो यहां पास में ये आपका सी है और ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है, इसका एक शैडो दिखाई दे रहा है और आपको ऐसा उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका एक 3D इमेज है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आपका 3D इमेज है। तो ग्राफिक्स में क्या होता है कि सिंपल किसी भी ऐप टेस्ट को या किसी भी इमेज को, उसको आप 3D में कर सकते हो, उसको आप रोटेट कर सकते हो, और उसको क्या कर सकते हो, आप छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, उसके पोजीशन को चेंज कर सकते हो। तो ये सब क्या होता है, आपका ग्राफिक्स कहलाता है, ठीक है। जनरली आपने देखा होगा जो प्रिंटिंग, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस होती है, तो उनके बाहर लिखा रहता है ग्राफिक्स डिजाइनर की आवश्यकता है। आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस या कभी कभी किसी बड़ी कंप्यूटर की दुकान के बाहर आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा, एक बोर्ड लगा रहता है, ग्राफिक्स डिजाइनर की आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि अभी आज की डेट पे सबसे अधिक इनकी डिमांड रहती है और सबसे अधिक यही लोग जो है कम मिलते हैं। कौन, ग्राफिक डिजाइनर। क्यों, क्योंकि जो आप बुक देख रहे हैं, पोस्टर देखते हैं, बैनर देखते हैं, इनमें क्या करते हैं कि भाई इनकी फोटो है या किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, तो उसको क्या करना है, आपको मार्केटिंग की डिजाइन करना है, एक पोस्टर बनवाना है। ये जितने भी जो काम होते हैं वो किसमें होते हैं, आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो उनकी हमेशा मार्केट में बहुत डिमांड बनी होती है। चलिए, तो ये क्या देख लिया आपने, ग्राफिक्स की क्या देख लिए, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइप देख लिए। अब आता है टूल्स ऑफ ग्राफिक्स। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है या नहीं है।
तो देखिएगा, एक होता है आपका एडोबी का फोटोशॉप, आपने बहुत नाम सुना होगा, एक होता है कोरल ड्रॉ, एक होता है पिक्स एल आर, या आप इसको पिक्सल आर भी बोल सकते हो, कई लोग इसको पिक्सल आर या पिक्स एल आर भी कहते हैं। इसके बाद में क्या है आपका एडोबी इन डिजाइन, ये क्या है आपका एडोबी इन डिजाइन। इसके बाद में क्या है वेक्ट आर, फिर क्या है आपका एक कैनवास, और एक क्या है पिक्टो चार्ट। ये सभी के सभी क्या है आपको सहूलियत देते हैं, सुविधा देते हैं, ये एक प्रकार के टूल्स हैं, एप्लीकेशन टूल्स हैं ये। इनके माध्यम से आप किसी भी इमेज को, किसी भी पिक्चर को उसमें ग्राफिक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो और मन चाहा उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। तो ये सब क्या हो गया आपका टूल्स ऑफ ग्राफिक्स हो गए। जैसे यहाँ पास में आपको दिखाई दे रहा है क्या है आपका ये साइन है, ये जो आपको सिंबल या आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका एडोब फोटोशॉप का है, फिर ये क्या है आपका कोरल ड्रॉ, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं आपके, ये आपके ग्राफिक्स के टूल्स होते हैं। इसके बाद में एक देखिए लाइन नीचे लिखा हुआ है कैड, आपसे एग्जाम में कई बार कैड का फुल फॉर्म पूछता है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिर दूसरा होता है कैम, कैम का मतलब क्या होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो कैड और कैम में कंप्यूटर ग्राफिक्स का उपयोग कंप्यूटर द्वारा डिजाइन व चित्र तैयार करने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ये आपको नोट पॉइंट के रूप में याद रखना है क्या, बिल्कुल ये क्या है आपके छोटे छोटे नोट पॉइंट है, यहां से सिंगल लाइन के आपके वर्ड लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक छवि का एक कम आकार में, यदि मान लीजिए कि मेरे पास में इस प्रकार से एक क्या है इमेज है, और यहां पास में क्या लिखा हुआ है, यहां पास ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क, तो क्या है एक बहुत बड़ी इमेज है, और यदि मैं क्या कर दूं इसको इतना सा छोटा सा एक इमेज बना दूं, तो क्या बोल रहा है कि एक छवि का एक कम आकार के संस्करण, मतलब क्या वर्जन, क्या कहलाता है आपका थंबनेल कहलाता है। तो ये जो आप अपने मोबाइल में देखते हैं या अपने लैपटॉप में देखते हैं, तो आपको मान लीजिए कि क्या करना है आपको किसी फाइल को ओपन करना है, तो उसके लिए थंबनेल होता है, किसी फाइल को कट करना है तो कट करने के लिए क्या रहता है इस प्रकार से एक क्या होती है कैची बनी होती है, इस प्रकार से एक कैची बनी होती है। तो ये जो जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है कट करने के लिए क्या है एक इमेज का छोटा सा फॉर्म है, अर्थात क्या थंबनेल होता है। तो किसी भी इमेज का एक छोटा सा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है उस इमेज का थंबनेल कहलाता है। इसके बाद में देखिएगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, दो या अधिक इमेज को, दो या उससे अधिक इमेज को मिश्रित करना, अर्थात क्या उनको मिक्स करना क्या कहलाता है, मिश्रित करके नया इमेज बनाने की तकनीक मार्फिंग कहलाती है। क्या दो या अधिक इमेज को मिक्स करके एक नई इमेज तैयार करना क्या कहलाता है मॉर्फिंग कहलाता है। देखिएगा यहां पास आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको यहां पास में एक चाइनीज सुंदरी दिखाई दे रही होगी, इससे तो आप परिचित होंगे, मैडम अंबानी के यहां शादी में 60 करोड़ रुपया में भैया 2 घंटे डांस करी थी, भगवान जाने कि क्या डांस करी क्या डांस नहीं करी, 60 करोड़ रुपए समझते हो, मतलब हमारे यहाँ के जितने भी हीरो हीरोइन है ये इस बारे सलमान खान आमिर खान ये सब एकदम इनके सामने क्या है लुल्ले, लुल्ले का मतलब क्या बताओ, ये लड़की अमेरिका से आ रही है और 2 घंटा ठुमकी है, केवल 2 घंटा नाचने में 60 करोड़ रुपया अंबानी के डांस मिली है। तो चलिए छोड़िए, आपको उसका नाम पता होगा, रेहाना मैडम है ये, है ना। और तो क्या है ये आपकी क्या है चाइनीज बबूनी है, और ये क्या है आपकी ये अमेरिकन टूरी है, और इन दोनों के इमेज को इस प्रकार से क्या किया गया कंबाइन किया गया। तो देखिए यहां पास में क्या हो गया है कि इसका भी आपको चेहरा दिखाई दे रहा होगा और इसका भी आपको यहां पास चेहरा दिखाई दे रहा होगा, अर्थात क्या दो या दो से अधिक इमेज को एक साथ मिक्स करके एक नया इमेज तैयार करना क्या कहलाता है आपका मॉर्फिंग कहलाता है, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद में अच्छा मैं जाकर के देखा भी था यार कि रेहाना कौन है, यूट्यूब पे सर्च किया उसको वीडियो देखा, अरे समझे में नहीं आ रहा है यार, मतलब इससे अच्छा तो हमारे यार जांगी चप्पा में आप जाओ, जब क्या बोलते हैं डांस कॉम्पिटिशन होता है इनसे एक से एक बढ़ के डांसर आते हैं, कहां लगाए और रेहाना वेहाना, ठीक है। तो देखो क्या है इसके बाद में आता है एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में बन सकता है। एमएस वर्ड में कुछ डिजाइन फॉर्मेट पहले से तैयार किए होते हैं, क्या पहले से तैयार किए होते हैं जिन्हें टेम्पलेट्स कहा जाता है, याद रखना टेम्पलेट्स का मतलब क्या होता है प्री डिजाइंड, क्या एमएस वर्ड में प्री डिजाइंड शब्द पकड़िए, कभी भी आपके पास में टेम्पलेट्स दिखाई दे तो आप क्या बोलोगे प्री डिजाइंड फॉर्मेट, क्या प्री डिजाइंड पहले से तैयार किया गया फॉर्मेट क्या कहलाता है एमएस वर्ड में टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है, टेम्पलेट्स
बनाना नहीं पड़ता, यह एप्लीकेशन में पहले से उपलब्ध होता है, उसी बात को रिपीट कर दिया है। यहां आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा, एमएस वर्ड का आपको एक विंडो दिखाई दे रहा होगा। यहां आप जाएंगे किसमें, न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद में आपको इस प्रकार से एक अलग से यहाँ पर आपको इस टाइप का एक फोल्डर खुलेगा, मतलब क्या विंडो खुलेगी, और यहाँ आपको दिखाएगा क्या, यहाँ आपको दिखा देगा टेम्पलेट्स। तो कौन सा टेम्पलेट आपको चुनना है, तो समझिएगा ये क्या होता है। सपोज क्या कर रहे हो कि आप अपने प्रियतम को कुछ लिखना चाह रहे हो, है ना, आपको कुछ शायरी आ गई या आप अपनी कुछ मन की बात अपने प्रीतम को शेयर करना चाहते हो, तो यहाँ बस क्या किया कि आपने कुछ 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 उसके सुंदर के वर्णन में, है ना, उसके गुणों के वर्णन में आपने कुछ बहुत कुछ लिखा, लेकिन क्या है देखने में आकर्षक नहीं मालूम पड़ रहा है। तो आपने क्या गए एमएस वर्ड में गए, टेम्पलेट्स में गए, तो वहां पर क्या हुआ कि आपको एक ग्रीटिंग कार्ड मिल गया। क्या ग्रीटिंग कार्ड मिल गया, यहाँ पास में क्या है बढ़िया सा आपको एक गुलाब का फूल है, यहाँ पास फूल है, यहाँ पास फूल है, यहाँ पत्ती है, यहाँ पास क्या है दिल बना हुआ है, ये आपको एक ग्रीटिंग कार्ड मिल गया है। बस करना क्या है, यहाँ पास को आप सिलेक्ट करोगे और जो भी आपने यहाँ पास में लिखा हुआ है वो क्या है ऑटोमेटिक यहाँ पास छप जाएगा। तो ये जो आप लिखे थे सिंपल सा, ये आपको कैसा दिख जाएगा, एक ग्रीटिंग कार्ड के रूप में छपा हुआ मिल जाएगा। तो टेम्पलेट्स क्या होता है, पहले से ही फॉर्मेट तैयार किया होता है। किसका फॉर्मेट तैयार किया जाता है, किसी भी डिजाइन का, तो कुछ डिजाइन फॉर्मेट जो पहले से तैयार किए होते हैं उन्हें टेम्पलेट्स कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपके पास में साउंड, मतलब क्या ऑडियो। ये अभी देखिए, अभी हमने क्या देखा था, टेक्स्ट देखा, इसके बाद में देखिए, इसके पहले हम क्या देख रहे थे, यहां पास देखेंगे आप, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने क्या देखा, पहले टेस्ट देखा, टेस्ट के बाद में हमने क्या देखा बताइए, हमने फिर देखा ग्राफिक्स। ये जो आप टेस्ट देख रहे हो, ग्राफिक्स देख रहे हो, अब आपको क्या आ गया थर्ड नंबर पे, आपके पास में ऑडियो आ गया। ये क्या कर रहे हैं, हम ग्राफिक्स के टूल को वन बाय वन समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था टेस्ट, टेस्ट क्या हो सकता है, आपके लेटर्स हो सकते हैं आपने देखा, और क्या हो सकता है आपके नंबर्स हो सकते हैं बताइए, ये आपने देखा। फिर हमने समझा ग्राफिक्स क्या होता है, इसके बाद में हम किस पे पहुंचे, अब ऑडियो पे आए हैं। तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं वन बाई वन, ये आपके मल्टीमीडिया के घटक या पार्ट्स को समझ रहे हैं। उसी के अंतर्गत अब आप सामने क्या देख रहे हैं, ऑडियो। ऑडियो भी क्या होता है, आपके मल्टीमीडिया का एक घटक होता है, अभिन्न अंग होता है। ऑडियो के प्रकार में स्पीच या म्यूजिक आते हैं, ठीक है। ऑडियो संपीडन मतलब क्या, किसी भी ऑडियो को कंप्रेस करना। ऑडियो संपीडन कंप्रेस का उपयोग संगीत म्यूजिक के लिए किया जाता है, ठीक है, सबको पता है। कुछ प्रचलित ऑडियो फॉर्मेट्स हैं, कभी भी जब कुछ आप ऑडियो फाइल बनाओगे तो उसके लिए क्या होता है, आपका फाइल एक्सटेंशन होता है, तो वहां पर समझना है आपको। जैसे कि एक होता है रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि RIF का फुल फॉर्म क्या होता है, RIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, क्या रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। इसके बाद में आता है क्या, एक आपसे पूछता है MIDI, ये MIDI किसका किस किस लिए उपयोग में आता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जितने भी आपके ऑडियो, क्या आपके जो MIDI है, ये क्या है आपका एक प्रकार का कनेक्टर होता है, जितने भी आपके ऑडियो डिवाइस होते हैं तो वो MIDI के माध्यम से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर में। जितनी भी आपकी ऑडियो फाइल्स होती हैं वो MIDI के माध्यम से ही चलती हैं या ओपन होती हैं। फिर आप बात करोगे MP3 .wma.wav, इसको क्या बोलते हैं, वेव। तो ये जितने भी आप क्या देख रहे हो, फॉर्मेट देख रहे हो, ये क्या है आपके ऑडियो फाइल के फॉर्मेट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं, वीडियो। अब आता है क्या आपके पास में, वीडियो। तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्रों की एक श्रृंखला, क्या मल्टीमीडिया कंप्यूटर वीडियो चित्रों की एक श्रृंखला रिकॉर्ड एडिट स्टोर प्ले कर सकता है। मतलब क्या कि मल्टीमीडिया के माध्यम से आप एक वीडियो को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, उसको आप स्टोर कर सकते हो और प्ले कर सकते हो। इसके बाद में क्या है, एक वीडियो फ्रेम के सिक्वेंस या क्रम से बना होता है। देखिए क्या बोल रहा है, एक वीडियो फ्रेम के सिक्वेंस से। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, आप जो इमेज देख रहे होंगे जहां पर बहुत सारे आदमी बने हुए थे, तो मैंने आपको बताया था कि क्या है कि यदि आपको वो स्लो स्लो दिखाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि चार आदमी हैं,
यदि उसी फ्रेम को आपको एकदम फास्ट स्पीड में दिखाएगा 200 FPS, मैंने आपसे कहा था फ्रेम पर सेकेंड, तो क्या है यदि आपको उसी फ्रेम को फास्ट दिखाएंगे तो क्या मालूम पड़ेगा कि एक आदमी दौड़ रहा है, क्या एक आदमी दौड़ रहे हैं। यदि उसी फ्रेम को आपको स्लो कर देगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि 10 आदमी दौड़ रहे हैं। तो वीडियो क्या होता है, फ्रेम के सिक्वेंस, ये जो आपका वीडियो है ये और कुछ नहीं क्या होता है, किसी भी फ्रेम का सिक्वेंस या क्रम से बना होता है। ऑडियो तथा वीडियो कंप्रेशन में प्रत्येक फ्रेम को छोटे यूनिट में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन को, देखो वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को फिल रेट कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, आपको समझाता हूं, देखिए क्या बोल रहा है। वीडियो कार्ड द्वारा एक सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को फिल रेट कहते हैं। मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में एक फ्रेम है, इसमें क्या है, आपके पास में बहुत सारे क्या है, इमेजेस हैं। इस प्रकार से ये आपका एक इमेजेस का क्या है, एक फ्रेम है। तो आप इसको एक सेकंड में कितने फ्रेम दे रहे हो, एक स्क्रीन को, मतलब क्या, जो भी आप एक वीडियो देख रहे हो, आप टीवी में देख लो, लैपटॉप में देख लो, मोबाइल में देख लो, तो एक स्क्रीन में एक सेकंड में कितने फ्रेम आपको जो सिस्टम दे रहा है क्या कहलाता है, वो फिल रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, फिल रेट कहलाता है। अर्थात क्या, फ्रेम पर सेकंड, एक स्क्रीन को कितने फ्रेम पर सेकंड मिल रहा है क्या कहलाता है, आपका फिल रेट कहलाता है। वीडियो एक मल्टीमीडिया तत्व है, बिल्कुल हम तो पढ़ ही लिए कि भाई वीडियो क्या है, आपका एक मल्टीमीडिया का तत्व है जो कंप्यूटर में सर्वाधिक परफॉर्मेंस प्रदर्शित करता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपका वीडियो है ये एक मल्टीमीडिया फाइल का क्या है, मल्टीमीडिया का एक घटक या एक पार्ट है और सर्वाधिक प्रयोग में लिया जाता है। मतलब जब कभी आप मल्टीमीडिया की बात करेंगे तो उसका दूसरा पर्याय क्या हो सकता है, उसका दूसरा सिनोनिमस क्या हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है। मल्टीमीडिया मतलब क्या, आज की डेट में वीडियो। चलिए आगे देखते हैं, अब आता है वीडियो संपीड़न, अर्थात क्या, कंप्रेशन में तीन तरह के फ्रेम होते हैं। देखिए अभी आपको मैंने क्या बताया कि जो भी वीडियो है, जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, क्या है, ये आपका फ्रेम है। क्या है, फ्रेम है। और क्या कर दिया गया, इसी फ्रेम को आपको तेज गति में दिखाया जाता है, अर्थात क्या दिखाया जाता है, आपको फ्रेम पर सेकंड में दिखाया जाता है। और एक स्क्रीन में जो भी आपको फ्रेम्स पर सेकंड दिखाए जा रहे हैं वो क्या कहलाता है, आपका फिल रेट कहलाता है। ये आपने देखा, क्या कहलाता है, वो आपका, अरे भाई क्या कहलाता है, आपका फिल रेट कहलाता है। एक स्क्रीन में फ्रेम, कितने फ्रेम आपको एक सेकंड में दिखाया जा रहा है क्या कहलाता है, आपका फिल रेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जो वीडियो संपीड़न, आप किसी भी वीडियो को यदि कंप्रेस करते हैं, वीडियो कंप्रेशन करते क्यों है कि सपोज मान लीजिए कि आपके पास में 10 लाख फ्रेम है, 10 लाख फ्रेम को आपको एक वीडियो बना के दिखाना है, तो 10 लाख फ्रेम्स को आपको कंप्रेस करना पड़ेगा ना भाई, तब तो वो वीडियो के फॉर्म में बनेगा। तो क्या है कि जो भी, देखो वीडियो संपीड़न में तीन तरह के फ्रेम होते हैं, मतलब क्या, देखिए एक होता है आई फ्रेम, पी फ्रेम और बी फ्रेम। तो सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, यदि आपसे पूछ ले कि एक वीडियो संपीड़न में, वीडियो कंप्रेशन में कितने तरह के फ्रेम होते हैं, तो बस आपको सिंगल याद हो कि तीन फ्रेम होते हैं। बहुत डीपली पूछा वैसे पूछेगा नहीं, यदि मान लो बहुत डीपली पूछता है तो तीन तरह के फ्रेम होते हैं। एक होता है आई का मतलब क्या होता है, इंफ्रा, ये आपका क्या होता है, इंट्रा। पी का मतलब क्या होता है, प्रीडिक्टिव, क्या, प्रीडिक्टिव। और बी का मतलब क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। तो ये क्या हो गया आपका, इंट्रा, प्रीडिक्टिव और फिर क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। सबसे कम होता है ये जो आपका आई होता है ना, क्या, इंट्रा, ये सबसे कम संपीड़ित होता है, संपीड़ित मतलब क्या, ये जो आपका आई फ्रेम होता है इसमें सबसे कम कंप्रेशन होता है। फिर इसके बाद में जो आप पी फ्रेम देख रहे हो, इसको हम डेल्टा फ्रेम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा फ्रेम भी कहते हैं। और ये जो आप पी फ्रेम या डेल्टा फ्रेम देख रहे हो, इसमें मतलब क्या होता है, मीडियम, क्या होता है, मीडियम क्या होता है, संपीड़न होता है, मीडियम संपीड़न होता है। और ये जो आप बी फ्रेम देख रहे हो, इसमें क्या होता है, उच्च संपीड़न होता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, उच्च संपीड़न, सबसे अधिक क्या होता है, कंप्रेशन किसमें होता है आपका, सबसे अधिक आपका कंप्रेशन होता है किसी भी फ्रेम्स का, तो बी फ्रेम के तहत होता है।
तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक मल्टीमीडिया में वीडियो कंप्रेशन में कितने तरह के फ्रेम होते हैं, तो आप बताओगे तीन तरह के, IPV सबसे कम, आई में सबसे अधिक, बी में। आगे बढ़ते हैं, जब फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं है। वीडियो डाटा को स्टोर करने के लिए कुछ प्रचलित फॉर्मेट्स होते हैं, जैसा कि क्या आपका एक होता है पहला होता है MPEG। MPEG का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो यहां पर ध्यान रखना मोशन, यहां जो मतलब होता है एम का मतलब क्या होता है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और यहां पर जो एक नया आ गया जे का मतलब क्या होता है, मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक, क्या, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। तो क्या MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और आपका MJPEG का मतलब होता है मोशन ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। चलिए भाई आगे देखते हैं, एनिमेशन। तो हमारे जो आपके मल्टीमीडिया के जो आप घटक देख रहे हो, तो उसका लास्ट घटक हम पढ़ रहे हैं क्या, एनिमेशन। देखिए एनिमेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि आपने क्या है, आपके पास में एक क्या है, खरगोश है। क्या है आपके पास में, मान लीजिए आपके पास में एक खरगोश, छोड़ो क्या है, मान लीजिए आपके पास में एक मछली है, इस प्रकार से ये एक मछली है। ठीक है, दिख रही है मछली। अब क्या करना है कि इस मछली, ये तो क्या आपके पास में एक इमेज है। यदि आप इस मछली को क्या कर दो, इसको इस मछली को आप क्या कर दो, गति दे दो। क्या कर दो, इसको आप गति दे दो, अर्थात क्या आप इसको मोशन दे दो। मतलब ये मछली ऐसी ऐसी मालूम पड़े कि क्या कर रही है, चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है, अर्थात क्या पानी में तैर रही है। तो एक्चुअल में क्या है, ये एक इमेज है। यदि हम इसको ऐसा प्रतीत कर दे कि ये पानी में तैर रही है, तो क्या कहलाएगी, आपका एनिमेशन कहलाएगा। मतलब क्या होता है कि एनिमेशन मतलब क्या होता है, स्थिर, मतलब क्या, स्टैटिक रेखा चित्रों को, कि ऐसी श्रृंखला जिसे एक के बाद एक लगातार इस तरह दिखाया जाता है कि चित्र गति का आभास हो। मतलब क्या है कि देखो आपके पास में क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए इस प्रकार से ये मछली है, ठीक है, ये एक मछली आपके पास में और है, इस प्रकार से क्या है, ये आपके मछलियां हैं। तो ये जो आपकी जो बहुत सारी यहां पास मछलियां दिखाई दे रही हैं, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है कि मालूम प्रतीत होता है कि ये क्या हो रही है, ये आपकी जो मछलियां हैं ये आपके मूव कर रही है, क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन में है। तो क्या कहलाता है, वो आपका एनिमेशन कहलाता है। बहुत सिंपल देसी भाषा में स्थिर चित्रों को गति देना एनिमेशन कहलाता है, बात खत्म। चलिए इसके बाद में क्या है, इसके लिए एक सेकंड में कम से कम 25 से 30 क्या एनिमेशन के लिए एक सेकंड में कम से कम 25 से 30 क्रमबद्ध चित्र होने चाहिए। मतलब क्या कि यदि आपको इस एक मछली को दिखाना है कि ये मछली क्या कर रही है, पानी में तैर रही है, उसके लिए क्या करोगे, इस मछली के आप 25 से 30 क्या बनाओगे, इमेज बनाओगे, फ्रेम बनाओगे, तैयार करोगे। और कैसा, उसको आप एक सेकंड में उसको आप मूव कराओगे, किसको, 25 से 30 मछलियों को। जब 25 से 30 मछलियों को आप एक सेकंड में मूव कराओगे, तब क्या मालूम पड़ेगा, देखने में मालूम पड़ेगा कि एक मछली है और पानी में मूव कर रही है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं फ्रेम पर सेकंड कहा जाता है। एनिमेशन के लिए 3D स्टूडियो, क्या 3D स्टूडियो, एनिमेटर स्टूडियो, एडोब फोटोशॉप आदि का प्रयोग किया जाता है। एनिमेशन वीडियो को MPEG फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से दिखाया जाए तो हमें मोशन का आभास होता है। एक वीडियो के लिए स्टैंडर्ड, क्या एक वीडियो के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम रेट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड वीडियो के लिए आपका जो स्टैंडर्ड फ्रेम रेट होता है वो क्या होता है, आपका 24 फ्रेम पर सेकेंड। कितने, एक वीडियो के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम जो आपका होगा वो कितना होगा, 24 फ्रेम रेट का मतलब क्या होता है, देखिएगा फिर समझिएगा कि यहां पर क्या बोल रहा है कि एक वीडियो के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम रेट कितना होगा, 24 फ्रेम पर सेकंड। मतलब क्या है कि एक जो आपको स्टैंडर्ड लेवल का वीडियो देखना है, तो उसके लिए आपको, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको एक मछली का वीडियो देखना है, तो आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 24 मछलियां तैयार करना होंगी। और कैसी, उनको 24 मछलियों को आपको एक सेकंड में मूव कराना होगा, तब आपको क्या दिखाई देगा कि एक मछली पानी में तैर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता के पास में एक दो टर्म आते हैं, एक आता है शॉक वेव और एक होता है क्या आपका यहां पास में एडोब फ्लैश। ये दोनों क्या होते हैं, ये आपके इंटरनेट पे, या बात करें क्या वेब पेज पे, मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट को इनपुट कराने के लिए
किसी भी वेब पेज में, इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज में मल्टीमीडिया ऑब्जेक्ट को आपको इनपुट कराना है, इंसर्ट कराना है, तो दो टेक्निक से, एक होता है शॉक वेव और दूसरा क्या होता है आपका एडोब फ्लैश, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, तो कुछ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं, तो वो क्या है, देखो एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑटोडेस्क माया, एडोब ऑडिशन, इसके बाद में एक होता है यूनिटी, एडोब आफ्टर इफेक्ट एआई, है ना, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का है। उसके बाद में आता है एविड मीडिया कंप्रेसर, एविड मीडिया कंपोजर, और ये क्या होता है ब्लेंडर, ये भी बहुत यूज करते हैं अमेरिकन लोग, क्या आपका ब्लेंडर। तो ये सब क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं क्या एडोब आफ्टर इफेक्ट आप देख रहे हो, उसके बाद में यूनिटी वगैरह देख रहे हो, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब क्या है आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का मतलब क्या कि मल्टीमीडिया क्रिएट करने के लिए आपके पास में क्या है, मान लीजिए आपके पास में एक वीडियो है, ऑडियो है, आपके पास में टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ठीक है, क्या है ग्राफिक्स है, और क्या है आप बताओगे एनिमेशन है, तो ये सब जितने भी आपके पास में क्या है कंटेंट्स हैं, इनको मर्ज करना, आपको इसको एक ऑडियो में, एक वीडियो में ऑडियो को डालना है, उसी में आपको टेक्स्ट करवाना है, उसी में आपको ग्राफिक्स को ऐड करना है, तो ये सारा काम किसके माध्यम से कर सकते हो, आप इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कर सकते हो, ये क्या होगा आपका मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है आपका क्या फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, तो इसको करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज, और जो आपका आज छूट गया है फाइल एक्सटेंशन, तो आज की क्लास में इतना ही, ऑलमोस्ट आपका मल्टीमीडिया टॉपिक खत्म होता है, बस छोटा सा एक पोर्शन बचा हुआ है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा, धन्यवाद। ठीक है।